हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनालॉग डिजिटल डिजाइन। और दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ट्रांजिस्टर ड्राइवर सर्किट। ये एक बजर को ड्राइव कर रहा है। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो बजर ऑन होगा, और जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो बजर ऑफ होगा। तो ये तो दोस्तों एक सिंपल सा सर्किट है। आप बजर की करंट निकाल के ये ट्रांजिस्टर का सिलेक्शन कर सकते हो, कितनी वोल्टेज, कितनी करंट, जितनी करंट इसको रिक्वायरमेंट होगी उतनी करंट का ये आप इसको उससे ज़्यादा करंट का सिलेक्ट कर सकते हो। फिर भी ये मेरे ख्याल से दो दो एम्पीयर का, एक दो एम्पीयर का है। आप इसकी ये पार्ट नंबर लेके देख सकते हो। अगर ये एक एम्पीयर का होगा है तो ठीक है, एक एम्पीयर का भी कुछ ज़्यादा है। लेकिन अगर एक एम्पीयर से ज़्यादा रेटिंग का है तो फिर ये ज़्यादा वाटेज का यहाँ पर लगाया हुआ है। ये एक एम्पीयर का बहुत है यहाँ पर। बल्कि इसकी कितनी करंट होगी, 50 मिली एम्पियर या समथिंग होगी इसकी, तो वो भी 100 मिली एम्पियर का भी यहाँ काम करेगा। ओके, तो दोस्तों इसमें मेन बात ये है कि ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर ऑन ऑफ, ये कंट्रोलर से सिग्नल आ रहा है, और जब ये लो होगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, और जब ये हाई होगा तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। तो ये इस रेजिस्टेंस का सबको पता होता है कि ये बेस को कंट्रोल करने के लिए, बेस करंट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस लगाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें जो फ्रेशर होते हैं वो थोड़े इस रेजिस्टेंस को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रेजिस्टेंस क्यों लगा हुआ है, इसका क्या पर्पज है यहाँ, और इसकी वैल्यू हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन केवल इतना इम्पोर्टेंट होता है कि इससे हम बेस को ग्राउंड कर देते हैं डायरेक्ट। क्योंकि ये अगर ये लो हो गया तो बीच में रेजिस्टेंस आ जाता है, तो ये पूरा माइक्रो कंट्रोलर का जो ये है पॉइंट, ये पूरा ग्राउंड नहीं होता, तो ये यहाँ से सीधा ग्राउंड हो जाता है। तो ये वाला पॉइंट इसका सीधा ग्राउंड, हम इसको पुल डाउन कर देते हैं, कि कहने का मतलब ये पुल डाउन। और ये 47 K का लगाया हुआ है, 47 K का, ये तो ये आप ये समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग, सॉरी लाइट पुल अप है। लाइट पुल अप मतलब, लाइट पुल अप में क्या होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उसको अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है 1K, 2K, 5K या 10K, तो वो स्ट्रॉन्ग पुल अप में आता है। तो लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा है तो ये लाइट पुल अप में आएगा। और ये लगभग इतने ही, कहीं 50K या कोई कोई 100K भी लगाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा आप लगाओगे तो इसमें सिग्नल का वेस्टेज ही है। इसमें यहाँ पर जब ये हाई होगा तो यहाँ पर से इसमें भी करंट फ्लो होगी, तो वो करंट वेस्टेज ही होती है। तो जनरली 50K 100K का भी होता है, इतने का ही लगाते हैं। और दूसरा ये है कि ये रेजिस्टेंस जो है इससे कभी भी कम या इससे इसके बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कम ज़्यादा होगा तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, आज ये वोल्टेज डिवाइडर का काम करेगा, और यहाँ पर कम सिग्नल होगा। तो ये हमेशा इस रेजिस्टेंस के 4-5 गुना या 10 मल्टीप्लाई हम इसको रखते हैं इसकी वैल्यू। और बस मेन पर्पज इसका यही है कि यहाँ पर ये पुल डाउन है, जे इसके बेस को पूरा ग्राउंड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये सर्किट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अगले सर्किट में। तो प्लीज, आपको अगर ये सर्किट मतलब अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।